Hello and very welcome to all of you. This is CA Vijay Sarda from VSmart Academy Pune. I am here with your case study 9 paper 6C international tax. So हम लोगों ने पेपर 7 पेपर 8 के ऑलरेडी केस स्टडीज यूट्यूब के ऊपर डाल दी है. उम्मीद है आप लोगों ने अब तक के देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट जाके केस स्टडी देखिए. पेपर 6C की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है. कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछे हैं और जो केस स्टडी दी है उससे दूर दूर तक के कोई लिंक नहीं होता. ओल्ड सिलेबस के अंदर में या ओल्ड पीरियड के अंदर में अगर हम लोग देखें, ओल्ड सिलेबस बोल रहा हूँ मैं, ओल्ड पीरियड के अंदर अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे. अराउंड एक केस स्टडीज में 6 क्वेश्चन आते थे. अब ऐसा नहीं होता. अब 25-25 मार्क की केस स्टडी आती थी. पहले 50 मार्क की आती थी, अब 25-25 मार्क की केस स्टडी आती है. तो केस स्टडी रिलेवेंटली ईजी हो जाती है. क्वेश्चंस बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये बात बहुत क्लियर है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त हमेशा पेशेंस की जरूरत होती है. पेशेंस आपके पास बहुत होना चाहिए. और जब भी आप कोई केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं उसके आजू बाजू में लिखते जाइए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको रिकॉल हो रहे हैं. आपके पास बुक होनी जरूरी है, चाहे वो मेरी बुक हो, एक इंस्टीट्यूट का बुक होना बहुत जरूरी है. ये दो बुक से भी आपका काम हो जाएगा, आप देख लेंगे. ये जो केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं ये ICAI ने केस स्टडी दी हुई है. हम उसके सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए, पर मैंने क्लास के अंदर भी आपसे वादा किया था कि मैं एक्स्ट्रा केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगा, और ये है वो एक्स्ट्रा का पार्ट, राइट. सो आइए, केस स्टडी 9 जो मेरी बुक में दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट के MTPs की भी केस स्टडी हम लोगों ने कवर करी हुई है. और बस आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट. यही एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है. केस 9 की हम बात कर रहे हैं जो बुक के अंदर अवेलेबल है. सो लेट्स स्टार्ट. आकाश ब्रिक्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन कंपनी. कुछ बातें जो आपको फोकस करनी चाहिए, हो सकता है आपको टैक्स निकालने बोल दिया जाए, इसलिए इंडियन कंपनी वर्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस होना बहुत जरूरी है, ठीक है. चलो, सो आकाश ब्रिक लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हैविंग नंबर ऑफ डिविजन एंड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज ट्रेडिंग एक्टिविटी. इट्स अ ग्लोबल प्रेजेंस. इट हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस, जिसका मतलब ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है इंडिया से. सिंस अगर कंपनी इंडियन कंपनी है, तो कंपनी क्या हो गई, बाय डिफॉल्ट के अंदर हो गई रेसिडेंट. कौन हो गई, बोलो, बाय डिफॉल्ट के अंदर में. यस, बाय डिफॉल्ट के अंदर हो गई रेसिडेंट, और इसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है, ठीक है. ये बातें आपको क्या स्ट्राइक करवाती है, ये बातें हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको 92D दैट इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस के बारे में बात करें, जो लोकल फाइल एंड मास्टर फाइल के बारे में बात होती है उस बारे में आपसे ये बात कर सकती है. आगे बढ़ते हैं, यहां तक के इतना ही. इट हैज फ्यू फॉरेन सब्सिडरीज. इस कंपनी की फ्यू फॉरेन सब्सिडरीज है. जैसे ही सब्सिडरी का नाम लिया, एक चैप्टर आपके माइंड में जो स्ट्राइक होना चाहिए, और वो स्ट्राइक होना चाहिए ट्रांसफर प्राइसिंग. इट हैज फॉरेन सब्सिडरीज फॉर दिस केस स्टडी. इस केस स्टडीज के लिए तीन चीजों को ध्यान में रखना है. एस इनकॉर्पोरेशन जो सिंगापुर में लोकेटेड है, एन इनकॉर्पोरेशन जो न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है, ALLC जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है आर रिलेवेंट. तो तीन कंपनी, तीन सब्सिडरीज जो इन्होंने बताई है, बहुत सारी सब्सिडरीज में से तीन सब्सिडरीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. मैं बता दूं, ये एक ओल्ड केस स्टडी है जो इंस्टीट्यूट ने दी थी. इसके अंदर भले आपको तीन से ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट सारे इजी होंगे और कॉन्सेप्ट होंगे जो हमने क्लास में किए होंगे. आगे बढ़ते हैं. ALLC कहां थी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया. ALLC इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st November इज एंगेज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ ई कॉमर्स एक्टिविटी. इट हैज अ वेबसाइट प्रेजेंट इन इंडियन सॉइल. एक मिनट, यहां से आपको क्या पता चलना चाहिए, यहां से आपको पता चलना चाहिए 2019 का जो अमेंडमेंट सेक्शन 9 के अंदर में हुआ है, जिसके अंदर में उन्होंने कहा था कि अगर आपका प्रेजेंस होता है एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर डाउनलोड होता है तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसे डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, हम उसका बिजनेस कनेक्शन डीम्ड बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मानेंगे, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस उसका कहां मानेंगे, इंडिया में मानेंगे, वेबसाइट का, ठीक है. वेबसाइट से रिलेटेड आपको एक और बात क्लिक करनी चाहिए कि इसका सर्वर कहां है, वहां उसका टैक्सेबिलिटी डिपेंड करता है, राइट. याद होगा तो लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहां वेबसाइट का सर्वर होता है वहां उसकी टैक्सेबिलिटी आती है, और यही हमने अमेजोन और अलीबाबा के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये लोग जानबूझ करके अपने जो सर्वर्स है ये कहां रख रहे हैं, ये टैक्स हेवंस के अंदर में रख रहे हैं, सो दैट यू नो इनकी टैक्सेबिलिटी जीरो हो जाए. एक वेबसाइट से यहां पता चलता है. दूसरा, जब वो ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर में, तो हो सकता है इक्वलाइजेशन लेवी का भी डिटेल यहाँ पे आपसे पूछ ले. आपका माइंड यहाँ पे इस तरह से स्ट्राइक करना चाहिए. तो हो सकता है यहाँ पे दो चीजें आपको, एक सेक्शन 9 का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए, दूसरा आपको इक्वलाइजेशन लेवी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाए, ठीक है. दूसरा,
एन इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल नो हाउ टू इंडियन कंपनी, सिंस ये टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड कर रही है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस तो वो है ही है. सो एन इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स टेक्निकल नो हाउ टू इंडियन कंपनी डीसी एंड इज इन रिसीप्ट ऑफ रॉयल्टी. रॉयल्टी रिसीप्ट जो होती है ये सोर्स बेस पे टैक्सेबल होती है, रेसिडेंस बेसिस पे नहीं, ये हमें हमेशा याद रखना है. एज पर एन अग्रीमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ नो हाउ द अग्रीमेंट इज विद इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंडीशन लेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस अग्रीमेंट को अप्रूव किया हुआ है. एस इनकॉर्पोरेशन जो तीसरी है, अब देखो इंस्टीट्यूट घुमाने के लिए कैसे करता है, उनने बोलने के लिए सीक्वेंस क्या दी, एस एन और ए, पर नीचे डिटेल देते वक्त ए एन और एस, यहां वो बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं अगर बच्चे का ध्यान नहीं हुआ तो. एन इनकॉर्पोरेशन डन, एस इज एंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड इट हैज प्रेजेंस इन इंडिया एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग अ ब्रांच एट दिल्ली. ब्रांच एट दिल्ली अगर बोला जाए, ब्रांच एट दिल्ली अगर बोला जाए तो यहां से आपको तुरंत एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, और वो स्ट्राइक करना चाहिए पीई, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट. जी हाँ, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 5, कोई भी डीटीडब्ल्यूए उठा करके दे दो, आर्टिकल नंबर 5 डील करता है आपके परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से. यस और नो, हर डीटीडब्ल्यूए में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होगा ये बताया हुआ है. दो इंडिया में हम इंडियन कंपनी के लिए बीसी देखते हैं, दैट इज बिजनेस कनेक्शन, बट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में है तो इसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी, ये बात याद रखनी होगी. सो एस लिमिटेड का ब्रांच है इंडिया में, मतलब उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. कंपनी ओन्स अ शिप एंड अ एरोप्लेन विच ऑपरेट फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू वेरियस पोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. एबीएल इज प्लानिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द एएआर फॉर सीकिंग एडवांस रूलिंग. ठीक है, वो प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, वो प्लान कर रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एक एप्लीकेशन देने की. तुरंत आपको याद करना चाहिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करता है, क्या ये टैक्स प्लानिंग में मदद करता है, आंसर इज नो. क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू निकाल करके देता है, नो, आंसर इज नो. तो फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या देता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग रूलिंग देता है, रूलिंग देता है. यस, किस बात की, अ राइटिंग, अ डिसीजन इन राइटिंग. किसके ऊपर बाइंडिंग होगा ये, असेसी जिसने लिया, जिस ट्रांजैक्शन के लिए लिया, एज वेल एज डिपार्टमेंट के ऊपर ये क्या होता है, बाइंडिंग होता है. ये बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. एडवर्टीजमेंट कंपेन, ओहो जिसका मुझे शक था, एडवर्टीजमेंट कंपेन जैसे ही बोल दिया, इक्वलाइजेशन लेवी आ जाएगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट होगा, तो इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, राइट. एबीएल डिसाइडेड टू एक्सपांड ओवरसीज मार्केट एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैज एंगेज द सर्विसेज ऑफ अ टू फॉरेन कंपनी पीएसटी एंड डीएलएम. तो दो कंपनी को एंगेज किया है ओवरसीज मार्केट में डेवलपमेंट के लिए. पीएसटी एक लंदन बेस्ड कंपनी है एंड हैज अ ब्रांच इन इंडिया. मतलब पीएसटी का पीई कहाँ हो गया, इंडिया में, जहां ये इतना ब्रांच करें आपको समझ लेना है कि बॉस ये लोग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक क्वेश्चन तो डालेंगे. डीएलएम इज इनकॉर्पोरेटेड इन कोलंबो एंड डज नॉट हैव अ पीई इन इंडिया. सो डीएलएम का देर इज नो पीई इन इंडिया. During the year, ABL has spent 2.10 crores on the digital online advertisement. ठीक है, 1.2 crore to PST. एक मिनट बताइए, ये क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं. बताइए PST को जो हम 1.20 करोड़ रुपीज पे कर रहे हैं आउट ऑफ 2.10 करोड़, क्या इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट होगा या नहीं होगा. इसका पी इंडिया में है, मैं कहता हूं इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगा. सर क्यों नहीं होगा बताओ, इक्वलाइजेशन लेवी कौन करता है, अगर कोई इंडियन एंटिटी है वो करता है जब वो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज इफ इट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रुपीज 1 लाख, या फिर फॉरेन कंपनी जिसका पीई कहां हो, इंडिया में हो, ये अगर किसी दूसरे को पेमेंट करता है तो इक्वलाइजेशन लेवी करना होता है. अब ऐसे केसेस में पीएसटी जो खुद जिसका पीई इंडिया में है, अगर आप इसको कोई पेमेंट कर रहे हो, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन नहीं है, उसका पीई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. मतलब टेक्निकली हम जो 90 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, डीएलएम को, इसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी जरूर आएगा क्योंकि इसका पीई इंडिया में नहीं है. सो एक पॉइंट आगे जाके वो पूछ सकते हैं, बट यहां तक के आपको इतनी चीजें फटाफट स्ट्राइक करनी चाहिए. आप लोगों ने इक्वलाइजेशन लेवी चैप्टर पढ़ लिया होगा तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वलाइजेशन लेवी के, राइट. हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था कोई प्रोविजन भी पढ़ने से पहले. नेट रिजल्ट ऑफ एस आई, नाउ हु इज एस आई. यहां तक के ऐसा होता है कि आप आते आते सब भूल जाएंगे. एस आई इज लोकेटेड इन सिंगापुर.
The net result of SI, that is S incorporation, for the year ended 31st March for branch in India, the net results for the year is net profit prior to adjustment 20 lakh, share of head office expenses 45 lakh. अच्छा जी, यहाँ पे क्या याद रखना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको पेपर 7 का एक प्रोविजन आता है जो पेपर 6C में भी है, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट. 44 की सीरीज में था ये सेक्शन जो कहता था कि आपको हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होने वाले हैं. अगर आपको याद हो तो 5% बिफोर एनी काइंड, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर का प्रोविजन हम लोगों को प्रोवाइडेड था. हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 44C के साथ डील हो रहे थे जो कहता था कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एक लिमिट तक के अलाउड है. हो सकता है प्रॉब्लम में इस बारे में भी कोई बात दी हो, ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए. सर ये बार बार आपको क्लिक हो रही है, हमको क्लिक नहीं हो रही, कैसे पता करें? मल्टीपल केस स्टडी सॉल्व करो, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, जो प्रोमिनेंट प्रोविजन है उनको बार 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 रिकॉल करके देख लो, आपको आराम से हो जाएगा. अगर तुम पेपर 6C को लास्ट डे के लिए छोड़ते हो कि चलो मैं लास्ट डे के अंदर में पढ़ लूंगा, पढ़ने का काम नहीं हो सकता. पेपर 6C रिवाइज हो सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, मैं आपको बता रहा हूं. आगे बढ़ते हैं. नेट लॉस आया था 25 का, ठीक है सर. रॉयल्टी रिसीप्ट ऑफ NI, नाउ हु इज NI? NI अगर आपको याद हो तो ये क्या दे रहा था, अपने टेक्निकल नो हाउ दे रहा था इंडियन कंपनी को, और NI को रॉयल्टी रिसीव हो रहा है. दो बातें आपको याद रखनी होगी, रॉयल्टी रिसीव जो हो रही है, रॉयल्टी रिसीव जो हो रही है उसके टैक्स रेट क्या होंगे, 10%. यस और नो, जो रॉयल्टी रिसीव हो रही है उसके टैक्स रेट क्या होंगे, 10%. NI received a royalty of 30 lakh from DC during the financial year and it has incurred an expenditure of 3 lakh in India for earning the same. ठीक है, royalty से related खर्चे allow होंगे क्या, इस बारे में भी आपको provision याद रखनी होगी. आइए questions चालू करते हैं. यहां तक के हम लोगों ने देखा कि एक incorporation है, incorporation ने कई बातें कही है और उसके तीन subsidiaries है जिससे related कुछ important information उन लोगों ने क्या किया, provide की है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि पहले क्या सॉल्व करें. कोई भी चीज सॉल्व कीजिए जो आपको इजी लगती है. हालांकि मैं चाहूंगा इसके क्वेश्चन पहले इजीली अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि आपको लिखना कितना है और क्या है उस पर डिपेंड करता है. सर क्वेश्चन में कितना लिखना है ये डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा है. यस और नो? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विश टू नो वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेबसाइट इन इंडियन सॉइल कॉन्स्टिट्यूट अ पीई और नॉट. जैसा कि मैंने कहा था, जो डिटेल ये दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे जरूर पता था कि ये परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पूछेंगे ही. तो आइए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहाँ लिखा होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल फाइव किसी भी DTAA का, हर DTAA का आर्टिकल 5 आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन करने बोलता है. हर जगह परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड है. इनफैक्ट इंडिया ने आज तक के जितनी भी ट्रिटी की है उन हर ट्रिटीज के अंदर में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड बहुत अच्छे से डिफाइंड है. यस और नो? अच्छा, अगर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड डिफाइंड नहीं है या कोई ट्रिटी डिफाइन नहीं करती तो एक जनरल परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का डेफिनेशन 92F भी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेक्शन 2 में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं, पर 92F जब DTAA की बात आती है या ट्रांसफर प्राइसिंग की बात आती है तब ये वर्ड बहुत ज्यादा काम का आ जाता है. और यहाँ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट डिफाइंड है जो कहता है कोई एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहां से बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट हो रही हो. मे बी इट्स अ ब्रांच, ऑफिस, वेयर हाउस, वर्कशॉप, एनीथिंग वेयर अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस. अब अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में कभी भी कोई एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता. तो सर वेबसाइट क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होती है और हर जगह एप्लीकेबल होती है अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर ओन लॉस. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने यूट्यूब को बैन कर रखा है. तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या होता है, ऐसे केसेस के अंदर में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट DTAA में डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है. ये सुनो नाउ, अब वेबसाइट का प्रेजेंस कहां माने, जस्ट बिकॉज वेबसाइट इज अवेलेबल इन इंडिया तो क्या वेबसाइट का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट यहां मान करके उस पर इंडियन टैक्स लॉज लगा दिए जाएं या DTAA के बेनिफिट्स दे दिए जाएं? द आंसर इज नो. वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल वन जो OECD ने अपने टैक्स ट्रिटीज के आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि बॉस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के अंदर में वर्चुअल पीई नाम का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आए हैं. वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था. मतलब देख लीजिए जो इंटरनेशनली चीजें हो रही है ये इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है, जो इंटरनेशनली एक इशू है. क्योंकि आर्टिकल वन ऑफ OECD आपसे क्लियर कट बोलता था, मैं आपको याद दिला दूं, आर्टिकल वन ऑफ OECD आपसे क्लियर कट बोलता था कि भैया क्या करो, आप
अपना वर्चुअल पीई, हर कंपनी को कहा गया था कि अपना वर्चुअल पीई का कंसेप्ट लेकर के आओ, और इसी के तहत इंडिया ने 2017 से तैयारी शुरू कर दी थी, और 2019 में आकर के हम लोगों ने डीम्ड बिजनेस कनेक्शन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वर्ड इंक्लूड किया सेक्शन 9 के अंदर में, यस और नो? अब अगर मैं आर्टिकल 1 ऑफ ओईसीडी प्लस आर्टिकल 5 ऑफ डीटीडब्ल्यूए को बात करूं, तो यहां पे मेजरली आपको रिकमेंड किया गया था आप वर्चुअल पीई लाओ। आर्टिकल 5 ऑफ डीटीडब्ल्यू आपको बताता है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या है, पर उसके ऊपर एक और बात है, वेबसाइट के केस में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहां माने? जनरली वेबसाइट के केस में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वहां माना जाता है जहां उसका सर्वर है। और अगर आप देखोगे फेसबुक, एमेजॉन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इन सभी ने अपने सर्वर्स को टैक्स हेवेंस में जाकर के रखा हुआ है, वर्जिन आइलैंड्स ऐसी जगह पे रखा हुआ है, हांगकांग ऐसी जगह पे रखा हुआ है, दुबई टैक्स फ्री जोन यहां पे अपने सर्वर्स को रखा हुआ है, ताकि इनकी जो ग्लोबल इनकम आए, राइट, इससे कुछ भी अफेक्ट ना हो। बहरहाल क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विश टू नो वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेबसाइट ऑन इंडियन सॉइल कॉन्स्टिट्यूट अ पीई, क्या इंडियन सॉइल के ऊपर अगर कोई वेबसाइट है तो क्या हम इसे पीई मान लेंगे? आंसर इज नो, जब तक यहाँ पे सर्वर नहीं आता तब तक हम उसे पीई नहीं मानते। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पीई का डेफिनेशन लिखे और फिर ये बताए मियर एग्जिस्टेंस, ये बात मॉड्यूल में भी लिखी है, मियर एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेबसाइट इन एन इंडियन सॉइल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पीई, इट देर हैज टू बी अ सर्वर इन इंडिया इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ पीई। तो चेक कीजिएगा सोल्यूशन क्या है, वेबसाइट ऑन इंडियन सॉइल वेदर ए पीई, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। द टर्म परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2, एज पर 92F परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, उन्होंने प्रोफेशन नहीं बिजनेस वर्ड बोला है क्लियर कट, थ्रू विच द बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेस इज होली और पार्टली कैरिड आउट, द टर्म पीई इंक्लूड्स, सो डेफिनेशन इज रिलेटिवली एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट जहां से मैनेजमेंट होगा या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे सिचुएटेड होगा, राइट, अ ब्रांच और ऑफिस और अ फैक्ट्री और अ वर्कशॉप, माइन और वेयर हाउस, सो इट कुड बी अ ब्रांच जहां से बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट होती होगी, फॉर एग्जाम्पल लाइसन ऑफिस हो सकता है, ऑफिस किसी चीज का पर्टिकुलर ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल MI का यहाँ पे ऑफिस है, फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल यू नो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है, सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे है, वर्कशॉप जैसे आपके कोई वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, नॉट वर्कशॉप, वर्कशॉप इन द सेंस असेंबलिंग यूनिट यहाँ पे, माइंस एंड वेयर हाउस। इन मोस्ट ऑफ द DTA एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इज गिवन, ये कहाँ गिवन होती है मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 5, ये हमने डिस्कस भी किया था कि आर्टिकल नंबर 5 हर DTAA में होता ही है मैंडेटरीली, राइट, wherein several more items are enumerated, right? आर्टिकल नंबर याद आ रहा हो तो ठीक है, पर मैंने आपको बताया था कुछ ही आर्टिकल नंबर है जो आपको बहुत प्रोमिनेंटली याद रखना, उसमें 5 था, 7 था बिजनेस प्रॉफिट, 12 था रॉयल्टी टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट टैक्सेशन हम लोगों ने देखे थे, ये कुछ ऐसे थे, एक था 25 एंड 26, ये वो आर्टिकल नंबर थे जो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि आपको याद रखना है। अ वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट, आप ये लिखो या ना लिखो मेरे हिसाब से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनने दिया है, अ वेबसाइट इज अ सेट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इन अ डिजिटल फॉर्म, मतलब IT अगर थोड़ा बहुत याद हो IPCC का तो वो लिख देना, विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स, ये काम की चीज है, विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स, सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख सकते हो, इट इज अ सेट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इन सर्वर्स विच इज एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। A website does not normally implies a fixed place of business, even though in case of some entity, some business could be transacted through a website. Thus, mere presence of a website in Indian soil without anything more will not amount to PE. Now, what is anything more? That means server. So, website as well as server आपका यहाँ available हो, तो हम PE constitute कर सकते हैं, otherwise PE नहीं है। If a website contain merely information about the concern, the website cannot be regarded as permanent establishment. Where the website is being used as virtual office for transaction, order for purchases or sales, or for rendering services for more than usual basis, then it would be regarded as permanent establishment. If the server supporting the website is located in India, तो आप यहां से अगर दो चीजें कर रहे हैं, आप यहां पे सिर्फ ब्रांच ना लेकर के परचेज सेल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं प्लस सर्वर्स यहां पे रखते हैं, तो हम कह सकते हैं आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। तो सवाल जो हमसे पूछा गया था कि क्या मियर वेबसाइट प्रेजेंट है इंडियन सॉइल में, तो क्या हम इसे ये
परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का दर्जा दे सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं दे सकते। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर टू। लेट्स चेक, ब्रीफली स्केच द टैक्स इम्प्लीकेशन एंड टीडीएस इम्प्लीकेशन। यहां पे आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, एक टैक्स इम्प्लीकेशन, दूसरा टीडीएस इम्प्लीकेशन, इंक्लूडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ये भी बताना है कि अगर उनपे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो क्या होने वाला है। आपने टीडीएस डिडक्ट करना था, डिडक्ट नहीं किया, तो पहला 40AIA PGBP पेपर 7 आपको याद रखना पड़ेगा। 40A7 के अंदर में 100% डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगी, प्लस पेनल्टी जो आपके ऊपर अट्रैक्ट करेगी वो अलग। इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट चार्जेस पेड बाय ABL टू PST एंड DLM, जैसा कि मुझे उम्मीद थी इन्होंने बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछ लिया। वापस क्वेश्चन में जाते हैं जहां हमने कुछ चीजें लिख रखी थी। आ इधर मेरे भाई, आपको बार बार क्वेश्चन विजिट करना चाहिए सो दैट आपसे कुछ छूट ना जाए। एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाला क्लॉज आपको फिर से पढ़ना चाहिए। ABL डिसाइडेड टू एक्सपांड ओवरसीज और इसी के लिए उन्होंने पेमेंट किया है PST और DLM को। PST एक लंदन बेस्ड कंपनी है जिसका PE इंडिया में है और DLM इनकॉर्पोरेटेड है कोलंबो में जिसका PE इंडिया में नहीं है। तो PST को जो पेमेंट हो रहा है उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, क्योंकि आप इक्वलाइजेशन लेवी करने के लिए आपको जो पेमेंट होना चाहिए वो नॉन रेसिडेंट को देना है जिसका PE इंडिया में नहीं हो। DLM इसका 90 लाख कवर होगा, याद होगा, तो आपको 1 लाख के ऊपर का जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख के ऊपर का जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं इस पे 6% की इक्वलाइजेशन लेवी आपको क्या करनी होती है, देनी होती है। सो टेक्निकली 6 9 54, 5,40,000 का आपको क्या आने वाला है, इक्वलाइजेशन लेवी आने वाला है। कौन से पेमेंट पे, जो पेमेंट किसको किया है, DLM को किया है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, अगर मार्क्स कम होंगे तो डायरेक्ट आंसर लिखो, अगर मार्क्स ज्यादा है तो मेरे हिसाब से आपने पूरा का पूरा सबसे पहले इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन लिखना चाहिए। सर इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविजन क्या हमने क्लास में किया है, ऑफ कोर्स गधेड़ा जा करके देख, इक्वलाइजेशन लेवी का टॉपिक खोलो, इक्वलाइजेशन लेवी का चार्जिंग सेक्शन आपने यहां पे लिखना है कि किसको पेमेंट करने पे क्या होता है, एज वेल एज DLM लिखना है अलग और PST लिखना है अलग। यहां पे उन्होंने आपसे दो आंसर मांगे और दोनों आंसर पे आपको डील करना है, ठीक है। आ जाओ, एन इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6%, एन इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% इज अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ नॉन रेसिडेंट, बाय अ नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग PE इन इंडिया फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया हु कैरीज आउट बिजनेस और प्रोफेशन, और फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट, और फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट हैविंग PE इन इंडिया। तो अगर कोई रेसिडेंट पे कर रहा है या नॉन रेसिडेंट जिसका PE इंडिया में है, वो कोई दूसरे नॉन रेसिडेंट को जिसका PE इंडिया में नहीं है इसको पे कर रहा है, किसके लिए, स्पेसिफाइड सर्विसेज। आपको याद होगा स्पेसिफाइड सर्विसेज में तीन ही चीजें, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या एनी अदर सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो स्पेसिफाइड सर्विसेज मीन्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट और एनी अदर सर्विसेज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। Equalization levy shall not be levied where non-resident provides specified services as a permanent establishment in India. Aggregate consideration does not exceed 1 lakh and where payment is not for carrying out any business or profession. Right? तो ऐसे केसेस में, तीन केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। पहला, अगर आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। तो टेक्निकली जो PST को हम पेमेंट कर रहे हैं उस पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा, यस और नो? सर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा मतलब, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं भी आता तो मैंने, अगर आपको याद हो तो लेक्चर के अंदर मैं बोला था सेक्शन 195 जरूर अट्रैक्ट कर जाएगा। अगर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आता है तो सेक्शन 195 अट्रैक्ट कर देता है और आपको 195 के तहत फिर TDS करना होता है, रेट इन फोर्स, रेट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट एंड 20% विच एवर इज लोअर, 20 या 30 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेमेंट विच एवर इज लोअर। एक मिनट, शायद मैं लोअर गलत बोला हूं, आइए चेक करते हैं। Where DLM has no PE in India,
इन द प्रेजेंट केस द असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 5,40,000 एट द रेट ऑफ 6% और 90 लाख बींग पेमेंट प्रोवाइडेड टू डीएलएम एंड सर्विसेज गिवन बाय डीएलएम पेमेंट मेड टू पीएसटी हैविंग पीए इन इंडिया. इसके ऊपर क्या इक्वलाइजेशन लेवी आएगा? नहीं, पर 195 के अंदर अट्रैक्ट 195 के अंदर में डिडक्शन होना चाहिए. अगर 195 के अंदर में डिडक्शन नहीं होता तो 100% डिसअलाउंस 40AI के अंदर होगा. इक्वलाइजेशन लेवी वुड नॉट बी अट्रैक्टेड वेयर द नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज अ पीई इन इंडिया. देयरफॉर द एबीएल इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी on 1.2 crore being the amount paid towards online services. However, tax has to be deducted under section 195 in respect of such payment to PST. Yes or no? Non-deduction would attract the disallowance under 40AIA of 100% of the amount while computing the business income, and non-deduction of equalization levy would attract disallowance under section 40AIB of 100%. याद होगा तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट था, ये भी इसके अंदर में इंक्लूड कर देना. दो मैं भूल गया था बट आपको ये याद रखना चाहिए, मुझे भी याद होना चाहिए था. 40AIB भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, कंटिन्यूइंग टू द टू अबव, अब हम आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. कंटिन्यूइंग टू अबव, इफ द पेमेंट मेड इज नेट ऑफ टैक्सेस कैन द असेसी क्लेम दैट since it is borne the tax burden, it will not issue any tax deduction certificate to the payee. Advise the board of directors suitably. Meaning समझिए, ये question paper 7 से related है, technically बोलू तो. हाँ, ये paper 7 से related question है and that has to be dealt in a very important point. Many time the payer has a responsibility to borne the TDS. सीधे शब्दों में agent of non-resident. कई बार असेसिंग ऑफिसर जो पे कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, उसको एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट ट्रीट करके उसको टीडीएस लाइबिलिटी पे करने लगाते हैं, राइट? अब ऐसे केसेस में जब व्यक्ति ने अमाउंट भी पे किया और टैक्स भी बॉन्ड किया है तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 195A अप्लाई होता है और आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है इतना अमाउंट जो आफ्टर टीडीएस आएगा. साथ साथ में मैं आपको बता दूं, सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बात करता है टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की. टीडीएस सर्टिफिकेट हमें इशू करना पड़ता है विद इन प्रिस्क्राइब डे, दैट इज 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न. नाउ टीडीएस रिटर्न भरना मैंडेटरी है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले ही इन 90s ओनली, टू बी वेरी प्रिसाइज आई एम नॉट कंफर्म अबाउट द डेट, इन 1990s ओनली की सीरीज में ही आपको एक सर्कुलर इशू हो चुका था कि आप टीडीएस सर्टिफिकेट मैंडेटरीली इशू करेंगे, और इसके में अंदर बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंस भी हो रहे थे. इसी के लिए गवर्नमेंट ने खुद ट्रेसेस की वेबसाइट जब बनाई तब ऑटोमेटिक टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेशन आया, जिसके तहत आज क्या होता है, आज अगर किसी को भी टीडीएस सर्टिफिकेट का जनरेशन होता है तो ऑनलाइन जाकर के अपना पैन नंबर डाल करके क्या कर सकता है, टीडीएस सर्टिफिकेट निकाल सकता है. यस ऑर नो? और ये लाया ही इसलिए गया था क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी. वो टीडीएस तो कट कर लेते थे लेकिन सर्टिफिकेट इशू करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, और इसी के लिए अब ऑटोमेटिक जनरेशन हो जाता था. बट इन एनी केस टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेशन मैंडेटरी है, ये बात याद रखनी है. अब सवाल क्या पूछता है यहाँ पे, वो सवाल पूछ रहा है कि असेसी ने कोई पेमेंट किया है नेट ऑफ टैक्सेस, कैन द असेसी क्लेम दैट सिंस इट इज बॉर्न द टैक्स बर्डन. असेसी बोलता है कि मैंने जो पेमेंट किया है नॉन रेसिडेंट को, ये नेट ऑफ टैक्सेस है और जो टैक्स का बर्डन है अब ये मैं बेयर कर रहा हूं, तो फिर सामने वाले को टैक्स सर्टिफिकेट देने का लॉजिक क्या है? वो बोलता है कि जब मैं पे कर रहा हूं तो मैं टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दूंगा. क्या असेसी करेक्ट है? आंसर इज नो. कुछ भी हो जाए उसे टैक्स सर्टिफिकेट तो देना ही देना है, ये प्रूव करने के लिए कि बॉस हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, एक्नॉलेजमेंट है ये. सेक्शन 195A एंजॉइंस दैट वेयर एन अग्रीमेंट द टैक्स चार्जेबल ऑन any income is to be borne by person by whom income is payable, tax wo bear kar raha hai jo income bhi pay kar raha hai, then for the purpose of deduction of tax at source such income shall be increased. Seedhe shabdon mein aap kya bolna cha rahe ho? Gross up kar dena. Such income shall be increased to such amount as would after deduction of tax thereon be equal to the net amount payable under the agreement. Aapko utne amount ki entry pass karni hogi
ग्रॉस अप करके, हम वैसे भी टीडीएस अगर नेट देते हैं तो उसे ग्रॉस अप करते हैं, ये बात हमने टीडीएस में डिस्कस करी है। एज पर सेक्शन 203 एवरी पर्सन डिडक्टिंग द टैक्स शेल फर्निश टू द डिडक्टी अ सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड नो एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन 203 के अंदर में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इन इन एक्सेप्शन में आपको टीडीएस, यू नो, टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देना है, हर एक केस में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना ही देना है। द सीबीडीटी हैज वाइड सर्कुलर 785/24/11/99, जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था, आई एम नॉट वेरी प्रिसाइज अबाउट द ईयर, बट यहाँ पे हमने उन्होंने भी दे रखा है। सो सर्कुलर 785 डेटेड 24/11/99, आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखना है। क्लेरिफाइड दैट इवन इन दोस केसेस वेयर द टैक्स हैज बीन बॉर्न बाय द पेयर ऑफ इनकम अंडर एन अग्रीमेंट, द पेयर इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्निश अ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो पेयर को लीगल ऑब्लिगेशन है क्या देने की, टीडीएस सर्टिफिकेट देने की। देयरफॉर इन द व्यू ऑफ एबीएल दैट द पे पीएसटी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर टीडीएस सर्टिफिकेट इज इनकरेक्ट। As regards to payment of DLM, there is no provision. DLM से related तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप उस केस में equalization levy दे रहे हैं, तो उसमें TDS certificate देने का कोई matter ही नहीं है। Last वाला point नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, तीन question अब तक हम लोगों ने deal किए, जिनमें से पहले दो question को तो मैं कहूंगा कि yes, आपको इस पे paper 6 सी की क्लैरिटी होनी जरूरी है, लेकिन लास्ट इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको पेपर 7 की भी क्लैरिटी लगेगी। और मैंने आपको ये लेक्चर के अंदर में भी बोला था कि यस, आपको इसके अंदर की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा, पहले आप पढ़ लें फिर डिस्कस करते हैं। Done, sir. चलिए, let us start. The board of directors desires to know the total income of SI. SI कौन था? पहला. In India, for income tax purpose, you are required to compute the same and give a brief note on applicable provision. SI की total income निकालनी है. ऊपर जाओ क्वेश्चन में वापस, नेट रिजल्ट्स ऑफ एसआई दिख रहा है आपको, इसमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी है, याद होगा तो ये सेक्शन 44C डील करता है। कहां लिखा होगा सर? टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट के अंदर में प्रिजम्प्टिव इनकम वाले पार्ट के अंदर में 44C दिया होगा। 44C एक लिमिट लगाता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर कि मैक्सिमम हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कितने अलाउ होने चाहिए, दैट इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर एनी हेड ऑफिस एक्सपेंसेस और द एक्चुअल एक्सपेंडिचर व्हिच एवर इज लोअर। तो अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें जी, ये आता है अराउंड 1 lakh rupees, सो 20 lakh माइनस 1 lakh, 19 lakh वुड बी योर टोटल इनकम मेरे हिसाब से। यस, जहां ये नेट लॉस दिखा रहे हैं वहां पे टेक्निकली इनकम आना चाहिए। 44C रिस्ट्रिक्ट द अलाउेबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं ये रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसका लॉजिक आपको मैंने समझाया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग्स के अंदर में। इसे हम कहीं ना कहीं LOB बेनिफिट भी बोलते हैं, जो इंटरेस्ट के ऊपर आता है, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर आता है। क्या होता है, इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 94B और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए पढ़ेंगे 44C, जिसको अलग शब्दों में हम लोग कहते हैं SAR।
सार भी कहते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रेगुलेशन। ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट होता है जहां ओईसीडी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर बेस इरोज करके प्रॉफिट शिफ्ट किया जा रहा है किसी दूसरे कंट्री के अंदर, तो हर कंट्री को अपने खुद के लॉज बनाने चाहिए जहां पे वो कोई भी बेनिफिट एक्सपेंसेस या अदर तरह के कोई एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, एक लिमिट प्रोवाइड कर दे और लिमिट के ऊपर ये खर्चे अलाउ ना हो। ठीक उसी तरीके से सेक्शन 44C लाया गया था बेप्स की गाइडलाइंस के हिसाब से। 44C restricts the allowability of head office expenses to the extent of lower of, to the extent of lower of an amount equal to 5% of adjusted total income or amount actually incurred as is attributable to business. What is adjusted total income? कुछ नहीं। अगर इसमें से कोई income minus की होगी तो वो वापस क्या कर दिया जाता है? Add back कर दिया जाता है। For the purpose of computing adjusted total income, the head office expenses 45 lakh charged to PNL have to be added back. In other words, income before charging head office expenses has to be considered. वो कितनी थी? 20 lakh. इसमें से head office expenditure minus करेंगे. यहाँ चाहो तो 44C का reference दे सकते हो. 5% of 20 lakh और actual 45 lakh. So lower क्या था? 1 lakh. Total income कितनी बन गई? 19 lakh rupees आपकी क्या बन गई? Total income बन गई. टीडीएस का सिचुएशन क्या होगा? द अग्रीमेंट हैव बीन एंटर्ड इनटू बिफोर 1 जून 2001, द टैक्स पेबल इन एनआई इज टू बी पेड। वेट, ये अनादर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका हो गया हो तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप कट कर दीजिए। वैसा भी मैंने आपको बोला ये एक ओल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप कट कर दीजिए। इसको कट कराने के पीछे का स्पेसिफिक रीजन, दे वांट अस टू प्रोवाइड द डिटेल बिफोर 1 जून 2002। ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है, मैं अगर आपको बता दूं इस बारे में तो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस का जब आप प्रोविजन पढ़ोगे, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस का जब आप प्रोविजन पढ़ोगे, प्रिसाइजली 10(6)A एक सेक्शन आता है जो ये बहुत ज्यादा डीप के अंदर में जाकर के उनने पूछा है, जिसका स्पेसिफिक जवाब आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मॉड्यूल भी ओपन करोगे और मॉड्यूल ओपन करके आप रॉयल्टी वाला पार्ट पढ़ोगे तो उसमें दो पार्ट आते हैं, बिफोर 2002 आफ्टर 2002। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिफोर 2002 के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहता हूँ आप इसे कट कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पूछे जाने वाला पार्ट नहीं है, सिंस इट्स एन ओल्ड क्वेश्चन तो हो सकता है, बट इसके पीछे का मैं आपको ग्लिम्स जरूर दे देता हूँ। यस और नो? नहीं, प्रोविजन पढ़ते वक्त आप इतना ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, आपको मॉड्यूल के अंदर ये मिल जाएगा जब आप रॉयल्टी वाला पार्ट पढ़ेंगे, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टॉपिक के अंदर में। पार्ट सुनिए, 2002 के पहले, 2002 के पहले रॉयल्टी या टेक्निकल फीस जो पे करते थे, राइट, और ये अग्रीमेंट के तहत होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो अप्रूव की गए अग्रीमेंट है उसके अंदर में होता था, तो ऐसे जितनी भी रॉयल्टी इनकम है इनको एग्जम्प्ट किया जाता था अंडर सेक्शन 10(6)A, और आज भी ये प्रोविजन बरकरार है उन अग्रीमेंट्स के लिए जो 2002 से पहले एंटर हुई है। यस और नो? 2002 के बाद हम लोगों ने इस प्रोविजन को चेंज कर दिया एंड अल्टीमेटली एक 10% का टैक्सेबिलिटी लेके आ गए हर तरह की रॉयल्टी इनकम के ऊपर, जिसके तहत सेक्शन 9 में चेंज किया गया, DTWAs में चेंज किया गया, और 10% का एक अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पे टैक्स हम लोगों ने करना चालू किया। जब हम 10% रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेसेस के अंदर में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। हाँ, तो अगर आप देखेंगे ये ओल्ड प्रोविजन थी, न्यू प्रोविजन ये है। रॉयल्टी जो 30 लाख है इसे ग्रॉस अप करके 115A के अंदर में लाया जाएगा और जो अग्रीमेंट हुए हैं उसको 10% टैक्स के अंदर में रखा जाएगा। तो ये काफी ओल्ड क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। सिक्स्थ, assuming that another foreign company has entered into identical technical know-how agreement with another Indian company and has obtained an advance ruling, can NI make use of the said ruling? आपको याद दिला दूं, section 245S के ऊपर एक question है। Chapter कौन सा रहेगा? Chapter रहेगा advance ruling, और सवाल होगा applicability of advance ruling। किसी दूसरे का एडवांस रूलिंग क्या मैं यूज कर सकता हूँ? आंसर इज नो। हमने इस पे एक बलराम का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो मॉड्यूल के अंदर में भी दिया है, जिसके अंदर में था कि मेरे भाई ने सिमिलर रूलिंग ली है, क्या वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आंसर इज नो। एडवांस रूलिंग इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्सन ऑन दैट ट्रांजेक्शन एंड डिपार्टमेंट, किसी और का एडवांस रूलिंग यूज नहीं कर सकते, ये केस लॉ नहीं है।
सो एज पर सेक्शन 245S द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस अंडर सेक्शन 245R बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट, शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट हु हैज सॉट इट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एंड इट शैल ऑल्सो बी बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम. Consequently, NOI cannot use the advance ruling obtained on an identical issue by another company, जिसके साथ एक citation भी paste है, P. Shekhar Trust. ये आप नहीं भी लिखोगे अभी तो भी चलेगा, क्योंकि ये settled law है. However, though the advance ruling pronounced does not become precedent, it has a persuasive value where the fact warrant the reference to the ruling of AAR, there is no legitimate bar on relying. अच्छा, इसका meaning समझिए. हालांकि अगर AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग चाहे तो किसी और केस का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उसका परसेवसिव वैल्यू है किसी और का जजमेंट देने के लिए. तो अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं कि आप इसका रेफरेंस लीजिए, लेना है नहीं लेना है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डिसाइड करेगा, उसको परसेसिव वैल्यू है, परवेसिव वैल्यू है, पर एट द सेम टाइम वो एज इट इज अप्लाई नहीं होगा. आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इसको अप्लाई करने देना है या अप्लाई करने देना नहीं है. गेटिंग इट और नॉट? That's it. आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर. पहला क्वेश्चन आप फटाफट रीड कर लीजिए. Write the most appropriate option to each of the following question by choosing one of the four option given. Each question carry 2 marks. ये आया है सबसे important ज़्यादा marks वाली चीज़ें. NI has an asset in India as well as outside India. The asset including building, machinery, land. As regards to the asset test for the purpose of poem, to be considered as company having active business outside India, one has to consider whether 50% or more of the total book value of assets are located outside India. 50% of the more market value of land and book value of building are located outside India. 50% or more of average value of assets for tax purpose in USA are located outside India. 50% or more of the average value, ye hai sahi jawab, average value of building and planted machinery for tax purpose in USA at the beginning and at the end of the year and the value of land as per books of account is located outside India. मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन है. इसके पीछे रीजन है पोयम की गाइडलाइन. पोयम की गाइडलाइन हमें एवरेज लेने बोलती है पिछले 3 सालों का. जिस प्रीवियस ईयर का आप निकाल रहे हैं उसके पहले के जो 3 प्रीवियस ईयर है उसका आपको एवरेज लेने बोलती है. अगर 3 प्रीवियस ईयर से एग्जिस्टेंस नहीं है, लेट्स से 2 प्रीवियस ईयर से होगा, तो हमें उस पर्टिकुलर ईयर के डिटेल लेने होंगे. पर हमें जो लेना होता है वैल्यू वो लेना होता है एवरेज. और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक और चीज था कि जो वैल्यू ऑफ लैंड है ये हमें क्या लेना होता है, वैल्यू ऑफ लैंड है ये हमें लेना होता है एज पर द बुक वैल्यू एज गिवन इन अकाउंट्स. हेंस दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. पोएम की गाइडलाइन में जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं. सेकेंड, अज्यूम दैट द इनकम ऑफ SI इज एज अंडर. Place of earning, earned in India, earned outside India, total income, only purchases of goods is from associated enterprises, only sale of goods is to associated enterprises, both purchase and sales are made from associated enterprises, royalty dividend. Okay. Which of the following statement is true? SI can said to be engaged in a boy. Since its royalty dividend interest income is not more than 50% of its total income. SI is engaged in active business outside India since its income referred to in 3 and 4 is not more than 50% of its total income. SI is not engaged in Aboe
सिंस इट्स इनकम इन 1, 2, 3 एंड 4 एक्सीड्स 50%, गलत, एक्सीड 50%, ये देखिए ये दो तो आने नहीं वाला क्योंकि वर्ड पोयम की गाइडलाइन अगेन आपको यहाँ पे रेफर करनी होगी। पोयम की गाइडलाइन हमसे कहती है कि भैया एक्टिव बिजनेस जो होना चाहिए इट शुड नॉट बी मोर देन पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50%। वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ पोयम गाइडलाइन इज पैसिव इनकम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। पैसिव इनकम के अंदर में क्या आता है, बोथ परचेस एंड सेल्स आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस प्लस रॉयल्टी डिविडेंड इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर हम मिला दें राइट ये आपकी टोटल इनकम से ऊपर नहीं जा रहा है, हेंस द आंसर शुड बी बी। घुमाने की कोशिश की है, इन दो से आपको कोई लेन देन नहीं, टेक्निकली 1, 2, 3 इनका ही काम था, बाकी सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश की और कुछ नहीं किया है। थर्ड, एन इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक हैज पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 2 करोड़ टू इट्स हेड ऑफिस एंड 1 करोड़ टू कोलंबो ब्रांच, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, नील, आस्क मी वाई। भाई साहब इंडियन बैंक अगर दूसरे ब्रांच को पेमेंट कर रही है, इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी फॉरेन बैंक दूसरे ब्रांच को अगर कोई पेमेंट कर रही है, इस पे टीडीएस डिडक्शन का कोई प्रोविजन है ही नहीं, इस पे कुछ टीडीएस डिडक्शन नहीं होने वाला, आंसर इज नन ऑफ द अबव। AAR will not allow application made by PSU if the question raised in the application is pending before ITAT, involved determination of fair market value, is designed for prima facie for avoidance of tax। जहां PSU की बात आती है वहां पे fair market value determination वाला point आएगा। देखिए पीएसयू का जो मैटर है ये पेंडिंग हो या ना हो इस पे कोई मैटर करता है क्या? यस, इस पे मैटर करता है, लेकिन इट शुड नॉट बी डिटरमाइनिंग फॉर इन्वॉल्विंग ऑफ एनी फेयर मार्केट वैल्यू, ये काम की चीज है। क्योंकि देखिए पीएसयू के केस में केस पेंडिंग होना जरूरी है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन आपको मिलेगा एडवांस रूलिंग में, एबीएल इज डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एडवांस रूलिंग, 100 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है, फीस कितनी लगेगी? 2 लाख रुपए, 100 से 300 करोड़ एंड 300 करोड़ अबाव राइट, और पीएसयू का मैटर है तो 10,000 रुपीज। ABL has purchased commission kitta of 7 lakh purchase, has paid purchase commission, I stand corrected, my bad, ABS has paid the purchase commission of 7 lakh to Mr. Guru, a resident, tax has to be deducted at source, बताइए कितना tax deduction at source आएगा? कौन से सेक्शन में डील हो रहा है सर? 194H। एबीसी एबीएल हैज पेड अ सम ऑफ 12 लाख ड्यूरिंग द ईयर 31st एंडेड टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स लैंडिंग चार्जेस, याद होगा तो टीडीएस के चैप्टर्स पेपर 7 में हमने ये डिस्कस किया है लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस, फॉर यूजिंग द ग्राउंड द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड is 24,000, क्या लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस 194C के अंदर में आएगा? आंसर इज यस। द फॉलोइंग रेसिडेंट कैन बी एप्लीकेंट फॉर सीकिंग एडवांस रूलिंग, पब्लिक सेक्टर, रेसिडेंट इन टू ट्रांजेक्शन विथ नॉन रेसिडेंट इन रिलेशन टू टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ नॉन रेसिडेंट,
रेसिडेंट इन रिलेशन टू टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वन और मोर ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ इन टोटल एंड रेसिडेंट इन रिलेशन टू इज टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम वन और मोर ट्रांजैक्शन वैल्यूइंग 1 करोड़ इन टोटल. आंसर शुड बी सी. पब्लिक सेक्टर, रेसिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद नॉन रेसिडेंट एंड वेयर द रेसिडेंट हैविंग ट्रांजैक्शन विद रेसिडेंट एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सीड 100 करोड़. लास्ट वाला इसके अंदर में आता ही नहीं. ABL made an application seeking advance ruling on 2nd January. ABL wanted to withdraw the said application. बताइए कब तक के अपना वो application withdraw कर सकती है? Within 30 days. 2 जनवरी से 1 फरवरी. 30 days के अंदर में अपना application withdraw करना है तो कर सकती है. 30 days. The following persons are involved in advance ruling. Applicant who are sought, commissioner, jurisdictional income tax authority, subordinate to commissioner, jurisdictional principal chief commissioner to income tax to whom commissioner is subordinate. बताइए आंसर क्या होना चाहिए. ऑब्वियसली सी, अभी हम पढ़ के आए, असेसी, कमिश्नर एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू कमिश्नर. आंसर शुड बी सी. सो फाइनली केस स्टडी नंबर 9 हो चुका है. 6 क्वेश्चन थे. सिंस ये ओल्ड केस स्टडी था, इसके अंदर का एक क्वेश्चन मैंने कट करवाया. हालांकि मैंने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया. आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे नहीं चाहें तो आप नहीं भी ले सकते हैं. ये कंसिडर हमने कर लिया एंड इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है. क्या सीखा हमने इसमें? इसके अंदर में पोयम था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग थी, इक्वलाइजेशन लेवी था, टीडीएस का कॉन्सेप्ट था. इन सब चीजों को मिक्स करके केस स्टडी बनाई थी. और इसी के तहत मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट आपको कोई डायरेक्ट केस स्टडी नहीं देगा, राइट? आपको मल्टीपल जगह पे अपना दिमाग लगाना होगा, किस तरीके से क्या अप्लाई करना है वो देखना होगा और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा. जो लोग नवंबर दे रहे हैं, नवंबर 20 दे रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यस, आप लोग फटाफट, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई होगी या कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी तो प्लीज पेपर 6 ही देखिए. ये वो पेपर नहीं है जिसको आप सोचेंगे कि हाँ पेपर 7 के 7 टॉपिक तो कॉमन है, हम लोग देख लेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे. मैं केस स्टडी जानबूझ के कुछ यूट्यूब के ऊपर डालना चाह रहा था. उसके पीछे का लॉजिक ये था, मैं उन लोगों को बताना के लिए डाल रहा था जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ये प्रिपेयर कर सकते हैं तो मैं चाह रहा था कि देख लो केस स्टडी किस हिसाब से आते हैं. और अगर तुमको अब भी लगता है कि तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत सारे केस स्टडी तुम प्रिपेयर कर लो और ये वीडियो देख लो. उम्मीद है आपको केस स्टडी 9 पसंद आया होगा और अगर आया होगा तो स्टे ट्यून्ड विद अस. मैं एक और केस स्टडीज के साथ जल्द आने वाला हूँ. थैंक यू फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी. बाय एंड टेक केयर.